हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनी सोनी ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर वेल। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि उन्हें पिज्जा खाना है, तो मेरे पास अभी पिज्जा बेस बनाने के लिए इतना टाइम नहीं था क्योंकि इवनिंग टाइम हो रहा है, ये खाने का टाइम है, इनको पिज्जा खाना है। तो मैंने इनसे ना पिज्जा बेस मंगा लिया है। ये पिज्जा बेस है, मैंने इस पर है ना थोड़ा ऑयल लगा के इसको नाइफ से कट कर दिया है इस तरीके से। इससे क्या ना ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और मैं इसको 2 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी माइक्रोवेव में। तो मेरा पिज्ज़ा बेस रेडी हो रहा है। मैं आपको बता देती हूँ मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट मैं ये स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने हल्का हल्का बॉईल कर लिया है, ये कैप्सिकम और ये थोड़ा सा अनियन। मैं इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको अगर इसके अलावा और भी कुछ ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। पिज़्ज़ा तो अपने पसंद से खाते हैं लोग, मुझे यही पसंद है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें पसंद नहीं है। और ये मैंने बनाया है रेड चिली सॉस, मतलब मैंने कैचअप में मैंने चिली फ्लेक्स को ऐड कर लिया है, जैसे कि ये ऐसी बन गई है। आप भी इजीली बना सकते हो, जिसके पास नहीं होती है वो ये बना लो। पिज्जा सॉस वगैरह मेरे पास थी नहीं तो मैंने यही बना लिया। सबसे पहले मैं इस पर लगाऊंगी रेड चिली सॉस, ये जो मैंने घर पे बनाई है वही है। अच्छी क्वांटिटी में लगानी है ये आपको, जिससे कि आपको पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छे से आए खाने, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, आपको ऐसा लगे जैसे आप मार्केट के पिज़्ज़ा खा रहे हो। अब तो हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें मैं पहले अनियन लगाऊंगी दूर दूर, कैसे भी लगा लो आप, अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर लो। या मुझे तो जल्दी पड़ी है खाने की, इसलिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ढेर सारी स्वीट कॉर्न्स। थोड़ा सा ऊपर से ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। लग रहा है ना पिज्जा, पिज्जा लग क्या रहा है, ये है ही पिज्जा। इसको मैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कर देती हूँ। गाइस मेरा पिज्जा रेडी हो चुका है, एकदम मार्केट वाला। अब बस इसको कट करना है और मुझे खाना है।